प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। ज्योतिबा कुली ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप घर बैठे ही इस चैनल के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि प्रिय विद्यार्थियों, अपने साथियों, अपने सहपाठियों से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, लाइक करने के लिए कहें और पूरा वीडियो देखें। आज मैं आपको हेनरी मोजले के द्वारा बनाई गई आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बताना चाहूँगा। जब मेंडेलीव ने आवर्त सारणी का निर्माण किया था, उस समय तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई थी, लेकिन जब हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया, उस समय तक परमाणु के अंदर पाए जाने वाले अपरमाणु कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जानकारी हो चुकी थी। हेनरी मोजले ने मेंडेलीव का जो आवर्त नियम था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, यह किसका आवर्त नियम था? मेंडेलीव। क्या था मेंडेलीव का आवर्त नियम? कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, यह मेंडेलीव का आवर्त नियम था। हेनरी मोजले ने इस आवर्त नियम को परिवर्तित करके और परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक को ज्यादा उचित समझा और अपना एक आधुनिक आवर्त नियम दिया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यह कौन सा नियम है? आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम में हेनरी मोजले ने मेंडेलीव के परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक रख करके और सारणी का निर्माण किया। इस सारणी में 18 जो ऊर्ध्व स्तंभ हैं, पेज संख्या 81 पर बनी हुई है। पेज संख्या 81 पर जो बनी हुई सारणी है, उस सारणी में 18 तो वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग। और 7 क्या है? आवर्त है। 18 वर्ग और 7। जो खड़ी पंक्तियां आपको दिखाई दे रही होंगी 81 पेज पर, आप अपने बुक में देखिए, कक्षा 10 की पेज संख्या 81 पर आधुनिक आवर्त सारणी बनी हुई है जो हेनरी मोजले ने 1913 में बनाई थी। इस सारणी में 18 जो ऊर्ध्व स्तंभ हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। और 7 जो क्षैतिज स्तंभ बने हुए हैं, इन्हें आवर्त कहा जाता है। कितने आवर्त हैं? 7 तो आवर्त हैं और 18 वर्ग। पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, H और HE। पहला वर्ग में तो H लिखा हुआ है और 18वें वर्ग में HE लिखा हुआ है। इस तरह से मिला करके पहले आवर्त में कितने तत्व हुए? 2। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं। कितने कितने तत्व हैं? 8। कौन कौन से में? दूसरे और तीसरे। चौथे और पांचवे में 18 तत्व है। कितने तत्व हैं? 18। छठे और सातवें आवर्त के अंदर 32 तत्व हैं, जिसमें छठे आवर्त के जो 32 तत्व हैं उनका तो नामकरण हो गया है, परंतु सातवें आवर्त के जो 32 तत्व हैं उनमें से 28 तत्वों का तो नामकरण कर दिया गया IUPAC के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड
अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा। कितने तथ्यों का? 2800 का तो नामकरण कर दिया, परंतु कितने बाकी रह गए? 4 तत्व बाकी रह गए जिनका नामांकित नहीं हो पाया नामकरण। वर्तमान में उनके नामकरण के प्रयास जारी। तो इस तरह से आवर्त सारणी के अंदर कुल तत्व, आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटी गई है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में 2 आते हैं, पी ब्लॉक में 6 तत्व होते हैं और डी में 10 और एफ में 14 तत्व आते हैं। लैंथेनाइड यानी लैंथेनियम तत्व, लैंथेनियम तत्व के बाद में जो एफ ब्लॉक शुरू होता है उसमें 14 तत्व होते हैं जिन्हें अलग रखा गया, वो लैंथेनाइड कहलाती है। और एक्टिनियम तत्व के बाद जो 14 तत्व रखे गए हैं वो एक्टिनाइड कहलाते हैं। इस तरह से लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को अलग से ही श्रेणी श्रृंखला बना करके 36 पंक्तियों का और अलग रख दिया गया, ये अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इस तरह से हेनरी मोजले ने अपनी पूरी की पूरी आधुनिक आवर्त सारणी को निर्मित किया। अब इसके बारे में मैं आपको बोर्ड पर आधुनिक आवर्त सारणी नंबर 1 बात, आधुनिक आवर्त सारणी में तथ्यों की स्थिति 2 बात और तथ्यों के गुणों की आवर्तता आज बताना चाहूंगा। थोड़ा सा लिखने का काम है परंतु घबराएं नहीं, ध्यान से देखें, नोट्स बनाएं और बोर्ड पर ध्यान केंद्रित करें, ठीक है? देखिएगा, पहला पॉइंट नंबर 1, जो जितना मैंने बोला है उन्हीं को मैं आपको लिखवाना चाहूंगा। शुरुआत करेंगे हम आधुनिक आवर्त सारणी, यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं कि मैग्नेटिक के आवर्त सारणी निर्माण के समय मेंटली के आवर्त सारणी निर्माण के समय परमाणु के आवर परमाणु कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का यकी व्याख्या नहीं हुई थी। उस समय तक इनके बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन 20वीं शताब्दी का जब प्रारंभ हुआ, लेकिन 20वीं सदी के प्रारंभ में परमाणु के इन और परमाणु कणों कौन कौन से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज व ज्ञान प्राप्त हो गया। इसके पश्चात सन 1913 में हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक ने उन्हें व्यवस्थित करने का कार्य किया
किया तथा मेंडेलीव का आवर्त नियम। क्या था मेंडेलीव का आवर्त नियम? कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते के स्थान पर नया आवर्त नियम दिया, जिसे आधुनिक आवर्त नियम के नाम से जाना जाता है। क्या दिया? हेनरी मोजले ने कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन होते, इनके आवर्त फलन होते हैं उन्हें व्यवस्थित करने के बारे में पता। मेंडेलीव के आवर्त नियम नियम में से परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक शब्द को अधिक उचित मान करके अपना आवर्त नियम दिया। अब आधुनिक आवर्त नियम फाइंड आउट आधुनिक आवर्त नियम, ये इसी का नियम है। आपसे मैंने कल भी बताया था, ये एक नंबर पूछा जा सकता है। और आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त नियम है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। ये आधुनिक आवर्त नियम के नाम से, क्या कहते हैं इसको? आधुनिक आवर्त नियम गलत है। आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के इस भार के स्थान पर क्या रखते हैं तो उसमें क्रमांक रखते हैं, बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किए। और क्या पाया? उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया यह आवर्तनी मेंडेलीव की सारणी से अधिक विस्तृत थी। अधिक क्या थी? विस्तृत थी। इस
इसलिए इसे दीर्घ या लंबा रूप कहा जाता है। इसलिए इसे दीर्घावसानी लंबा रूप कहा जाता है। आपके भलीभांति ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर देख लो, मैं दोबारा से इस चीज को आपके सामने रिपीट करना चाहूंगा कि मैंने ले के आवास सारणी निर्माण के समय में परमाणु में पाए जाने वाले अव परमाणु कण कौन कौन से होते हैं हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों कणों से मिलकर के और किसका निर्माण होता है, परमाणु। कई सारे परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं और कई सारे अणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये बात हम भलीभांति जानते हैं। तो मैं यहां कहना चाह रहा था किताब के माध्यम से कि मेंडल की आवश्यकता निर्माण के समय में परमाणु के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की व्याख्या नहीं हो पाई थी, इसके बारे में ज्ञान नहीं था। लेकिन जैसे 20वीं सदी प्रारंभ हुई, सबसे पहले परमाणु के अव परमाणु कणों का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी जेजे थॉमसन, जेम्स चैडविक और गोल्डस्टीन, इन्होंने तीनों ने इनकी खोज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज कर ली थी, इनके बारे में व्याख्या भी दे दी थी। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज और ज्ञान प्राप्त हो गया था। इसके पश्चात सन 1913 हेनरी मोजले नाम का वैज्ञानिक है, और हेनरी मोजले नाम का वैज्ञानिक ने क्या करने का कार्य किया, आवर्त सारणी को पुनः व्यवस्थित करने का कार्य किया, दोबारा से बनाई। मतलब जो किसने बना दी थी, अब तक मेंडेलीव ने बना दी थी ना, उस सारणी को उन्होंने दोबारा बनाने का प्रयास किया। और दोबारा बनाने का प्रयास ने क्या किया कि मेंडेलीव का जो आवर्त नियम था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं, आवर्ती बल होते हैं, उसको हटा दिया और परमाणु भार के स्थान पर कौन सा शब्द यूज कर लिया, परमाणु क्रमांक यूज किया। भाई इससे ना उनको और सरलता से ज्ञान प्राप्त होगा, हम सुगमता से सरणी को समझ पाएंगे, ढंग से व्यवस्थित कर पाएंगे और ये सरल भी रहेगी। ऐसा सोच करके 1913 में हेनरी मोजले ने परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक शब्द का अधिक उचित प्रयोग मान करके अपना आवर्त नियम दे दिया। अब आधुनिक आवर्त नियम क्या किया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं, कह दोगे तब भी ठीक है, और अगर इसको तुम आवर्ती फलन कह दोगे ना जब भी बात सही। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया। ये आवर्त सारणी जो मेंडेलीव की सारणी थी ना उससे ज्यादा विस्तृत थी, इसलिए इसको आवर्त सारणी का दीर्घ रूप या लंबा रूप भी कहते हैं। यहां तक की बात मैं आपकी क्लियर कर चुका हूं। अब आपकी जो 81 पेज पर बनी हुई आवर्त सारणी है उसके बारे में एक बार मैं आपको डिटेल जो मैंने पहले बताई है उसको मैं आपको राइटिंग में लिखित में दूंगा। अगर कैसे है फिर आप अपनी किताब को घर पर ही इस वीडियो के सामने रखिएगा, 81 पेज वाली सारणी को जैसे जैसे मैं बोर्ड पे लिखवा रहा हूं उस चीज को आप देखिएगा और मैं जैसे बोल रहा हूं उसको मिलान करिएगा, आपके योग्य तो बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए मैं आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति पॉइंट पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभी विद्यार्थी 81 पेज वाली सारणी को अपने सामने रखें, किताब को आड़ी कर लें और सारणी को सामने रखें
और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे देखते जाए आपके समझ में आ जाए। देखो पहले सबसे पहले शुरुआत में लिखा हुआ इस आदर का वर्ष आगे में 36 पंक्तियां, इसे आधुनिक आवर्त सारणी में 36 पंक्तियां आवर्त कहलाती है। यानी आपको यू आगे दिखाई दिखाई दे रही होगी जिनमें आगे नंबर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से ये 36 पंक्तियां हैं। इन 36 पंक्तियों को हम आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहलाती हैं और इनकी संख्या होती है 7। कितने होते हैं? 7। तथा आवर्तों की संख्या संख्या 7 होती है। आधुनिक आवर्तन में कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त। उसी प्रकार जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं उन्हें वर्ग कहते हैं। अब आपको सारणी की कैसी पेज वाली में कुछ खड़ी रेखाएं दिखाई देंगी जब 1 से लेकर के 18 तक होती है, अर्थात वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18। सबसे पहले वर्ग में H लिख रखा होगा और अंतिम 18वें में देखो H ही लिखा हुआ होगा, हाइड्रोजन और अंत में हीलियम लिखा हुआ है 18। तो मैं यह कह रहा हूं कि ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और वर्गों की संख्या तथा वर्णों की संख्या 18 होती है। वर्णों की संख्या कितनी होती है? 18 वर्ग होगी। ठीक है, आवर्त में मुख्य ऊर्जा का स्तर आवर्त सारणी में मुख्य ऊर्जा स्तर को n कोस द्वारा निरूपित किया जाता है। यानी इसको ज्ञात करने का सूत्र होता है 2n2। क्या होता है? 2n2 इसका सूत्र होता है ऊर्जा स्तर को ज्ञात करने का। तो उसी के अनुसार 2 × आवर्त का नंबर का स्क्वायर करते चले जाते हैं तो उससे हमारे सामने 2, 8, 18, 32 आदि आते चले जाते हैं। ये एन ओ से ना 2n² के द्वारा ऊर्जा का स्तर ज्ञात कर लेते हैं। यहां तक की बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब आप समझिए कि प्रथम आवर्त में 2 तत्व विद्यमान होते हैं। प्रथम आवर्त में 2 तत्व, कौन कौन से 2 तत्व? H और H, 2 तत्व विद्यमान होते हैं। पहले आवर्त में कितने तत्व विद्यमान है? 2 तत्व विद्यमान है। और इस आवर्त को हम क्या कहेंगे? इसे अति लघु आवर्त कहते हैं। इसे अति लघु आवर्त कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा आवर्त जिसमें 2 तत्व विद्यमान है किस नाम से जाना जाता है? अति लघु आवर्त के नाम से जाना जाता है ना? इसे अति लघु आवर्त कहते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने कितने तत्व विद्यमान है? 8-8। दूसरे और तीसरे में दूसरे और तीस
तीसरे आवर्त में आठ आठ तत्व विद्यमान है, इसे लघु आवर्त के नाम से जाना जाता है। देख रहे होंगे आप सारणी में कि किस तरह से आठ आठ तत्व विद्यमान, आठ आठ तत्व का आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह से आठ आठ तत्व विद्यमान है दूसरे और तीसरे आवर्त के अंदर। अब आपको इससे आगे के बारे में बताता हूं कि दूसरे में एल आई बी ई बी सी एन ओ एफ और एन ई, ये आठ तत्व हो गए एल आई बी ई बी सी एन ओ एफ और एन ई, कितने तत्व हो गए आठ। उसी प्रकार से तीसरे में कहां से शुरू हो जाएगा एन ए एम जी ए एल एस आई पी एस सी एल और ए आर, कितने हो गए आठ आठ हो गए। तो आठ आठ तत्वों से मिलने वाले को क्या बताएंगे हम लघु आवर्त के नाम से जानते हैं। कहां से दूसरे में एल आई से शुरू हो गया और तीसरा किससे शुरू हो गया एन ए सी से, ठीक है। तो यहां आठ आठ तत्व हो गए। अब बात आ गई है हमारी दूसरे तीसरे चौथे और पांचवे, चौथे तथा पांचवे आवर्त में अठारह अठारह तत्व विद्यमान है। कितने कितने तत्व विद्यमान है अठारह अठारह तत्व विद्यमान होते हैं, इसे हम किस नाम से जानते हैं दीर्घावर्त, इसे हम दीर्घ आवर्त के नाम से जानते हैं। अब वो अठारह अठारह तत्व कौन कौन से देखो चौथे और पांचवें के सी ए एस सी टी आई वी सी आर एम एन एफ ई सी ओ एन आई सी यू जेड एन जी ए जी ए एस एस सी बी आर के आर, कहां तक के आर, दोबारा से देख लो कहां तक है के आर तक, कहां से है के से के सी ए एस सी टी आई वी सी आर एम एन एफ ई सी ओ एन आई सी यू बी आर के आर, अठारह अठारह हुए तत्व। तो अठारह अठारह तत्व वाला चौथा और पांचवा आवर्त क्या कहलाता है दीर्घावर्त के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आवर्त नंबर छह और सात तथा छठे छठे और सातवें आवर्त में बत्तीस बत्तीस तत्व विद्यमान है, इसे या कहें अति दीर्घ आवर्त के नाम से जाना जाता है, अति दीर्घ आवर्त के नाम से जाना जाता है। अब छठे आवर्त में आप जहां से शुरू करोगे बी ए एल सी एस बी ए एल ए से शुरू करोगे ना, जैसे छठे और को सी एस बी ए एल ए, तो वहां से आगे मत जाओ एच एफ टी ए डब्ल्यू आर ई पे मत जाओ, एल ए के बाद लेंथ एंड श्रेणी शुरू हो गई तो वहां से छोड़ करके नीचे चले जाओ एफ ब्लॉक में, एक कैसी पेज की जो सारणी है ना, एल ए के बाद सीधा कहां चले जाओ नीचे चले जाओ, तो तीन तत्व तो ये शामिल हो गए सी एस बी ए एल ए, और उसके बाद चौदह तत्व लेंथ एंड एंड की ग्रुप जो कहां बने हुए हैं एफ ब्लॉक में नीचे, तो चौदह को उनको शामिल कर लो फिर तीन ये कितने हो गए चौदह और तीन सत्रह हो गए, और सत्रह के अलावा फिर बाकी आप वापस ऊपर चले जाओ छठे आवर्त में, तो उनके सामने से गिनोगे कहां से एच एफ टी ए डब्ल्यू आर ई,
वहां से गिन करके और सीधा कहां तक चले जाओगे, सीधे के सीधे आरएन तक चले जाओगे, आरएन तक चले जाओगे। तो इस तरह कितने तत्व हो गए, 32। कितने हो गए, 32। उसी प्रकार से सातवें आवर्त में भी आप कहां तक गिन लोगे, एसी तक गिन लोगे, एक्टिनियम, और एक्टिनियम एक तक गिन करके एक्टिनियम से सीधे कहां चले जाओगे, नीचे एक्टिनाइट जो श्रेणी है उसके 14 तत्व गिन लोगे। तो इस तरह से कितने हो जाएंगे, छठे और सातवें आवर्त में 32 तत्व हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 32। छठे और सातवें आवर्त में 32 तत्व होते हैं। इन्हें हम दीर्घ आवर्त के नाम से, अति दीर्घ आवर्त के नाम से जानते हैं। अति दीर्घ आवर्त की बात हो गई आपकी। अब आप बताइए आधुनिक आवर्तन में एम ब्लॉक के तत्व, आधुनिक आवर्त सारणी में एम ब्लॉक, सबसे नीचे एम ब्लॉक के तत्व कितने कितने तत्व हैं, 14। अलग से ही बना रखा है एफ ब्लॉक के तत्व, अलग से ही 14 तत्व बना रहे हैं, अलग से सारणी बना करके लेन के नियम वाले तत्व एक्टिनाइड लैंथेनाइड और एक्टिनाइड नाम से यहां तक की बात आपके समझ में आ गई, यहां तक की बात आपके समझ में आ चुकी। अब मैं इसे मिटाऊंगा और आगे की बात आपको बताने के लिए सीधा 13 से लेकर 18 तक पी लो,
वर्ग संख्या 13 से 18 तक बी ब्लॉक तक तथा 3 से 12 वर्ग संख्या 3 से 12 तक 13 से 18 इसे हम बी ब्लॉक कहते हैं, 3 से 12 तक का ये बी ब्लॉक होता है। डी ब्लॉक तक उसी प्रकार जिनमें 14-14 चलते हैं लेंथ एंड हाइट और एक्ट एंड नीचे की उसी प्रकार नीचे की दोनों पंक्तियां दोनों पंक्तियों का नाम है लेंथ एंड हाइट व एक्टिंग हाइट। नीचे की दोनों पंक्तियां लेंथ एंड हाइट और एक्टिंग हाइट एफ ब्लॉक कहलाती है, एफ ब्लॉक तत्व कहलाती है। क्या कहलाती है? एफ ब्लॉक तत्व कहलाती है। एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातु होती है। एस ब्लॉक में क्या होती है? क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु होती है। क्षारीय व मृदा धातु पाई जाती है। पी ब्लॉक के मुख्य तत्व निरूपक तत्व कहलाते हैं। पी ब्लॉक के एक तत्व मुख्य तत्व या निरूपम तत्व कहलाते हैं। निरूपक तत्व या मुख्य तत्व कहलाते हैं। उसी प्रकार से डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक तत्व डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जबकि एफ ब्लॉक तत्व तत्वों को अंत संक्रमण तत्व कहते हैं। जबकि एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं? अंत संक्रमण तत्व कहते हैं। सारणी में परमाणु क्रमांक संख्या 92 जहां यूरेनियम तत्व विद्यमान है, उसका परमाणु भार होता है 92 यूनिट 235। उसके बाद के सारे तत्व परा यूरेनियम के नाम और सारणी में आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक संख्या 92 परमाणु क्रमांक संख्या 92 यूरेनियम परमाणु भार 235 मिल गया होगा आपको।
92 यूरेनियम 235 आवर सारणी के अंदर कहां पाया जा रहा है? 92 नंबर पर। कौन से आवर्त में है ये? मिल गया सातवें आवर्त में। 81 पेज पर जो बड़ी हुई सारणी है उसकी जो एक्टिनाइड श्रेणी है, उस एक्टिनाइड श्रेणी में आपको नीचे में दो तत्व छोड़कर के तीसरे स्थान पर यूरेनियम लिखा हुआ मिलेगा, जो एक विस्फोटक पदार्थ होता है, परमाणु बम आदि बनाने के काम में आता है यूरेनियम। इसका परमाणु क्रमांक 92 होता है और परमाणु भार 235 होता है इसका। इसके बाद के जितने भी तत्व हैं वो आवर्त सारणी में परा यूरेनियम के नाम से जाते हैं। तो यही बात लिखी, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक संख्या 92 यूरेनियम 235 के पश्चात वाले तत्व, के पश्चात वाले तत्व परा यूरेनियम के नाम से यूरेनियम के बाद वाले तत्वों को किस नाम से जानते हैं? तो परायूरेनियम तत्वों के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात वाले तत्वों को परायूरेनियम तत्वों के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस आवर्त सारणी में वर्ग में और आवर्त में तत्वों की स्थिति का क्या होता है। इसके बाद ही इस बात को भी जानेंगे क्यों वो इसी के साथ जुड़ी हुई है। ये बात समझ में आ गई होगी आपके, क्या समझ में आई है कि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में एक और दो को किस नाम से जाना जाता है? एस ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। वर्ग संख्या 13 से 18 तक को किस नाम से जाना जाता है? डी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। वर्ग संख्या 23 से लेकर 12 तक को डी ब्लॉक के तत्वों के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार नीचे की दोनों दो पंक्तियां हैं अलग अलग रखी है, एंटेनाइड और एक्टिनाइड। अच्छी तरीके से इसकी सारणी करो, धातु है धातु धातु और प्रदा धातु। तो यहां एस ब्लॉक में आ गई थी ना, वो क्षारीय और क्षारीय प्रदा धातु। उसके बाद में बी ब्लॉक का मुख्य तत्व या निर्गुण तत्व कहलाऊं थी। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं और ए ब्लॉक के जो तत्व हैं उन तत्वों को अंत संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। और सारणी में 92 यूरेनियम 235 के बाद वाले तत्वों को परा यूरेनियम कहते हैं। अब एक वर्ग में यदि ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है? अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, वर्ग का मतलब समझ लो, आवर्त सारणी में हमारी ये जो पंक्तियां हैं ना, ये क्या कहलाती है? वर्ग। और ये पंक्तियां क्या कहलाती है? हमारी आवर्त। तो वर्ग में यदि ऊपर से नीचे जाते हैं तो तत्व क्या होता है? तत्व में कोषों की संख्या बढ़ती चली जाती है। कोष मानी कक्ष या ऊर्जा स्तर तो क्या होते चले जाते हैं? बढ़ते चले जाते हैं। कोषों की संख्या बढ़ती चली जाती है लेकिन बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी रहती है? समान। अगर एक है ना तो एक ही रहेगी, और दो है तो दो रहेगी, तीन है तो ठीक है। ऊपर से नीचे वर्ग में जा रहे हैं आवर्त सारणी में तो हमारे कोषों की संख्या तो समान रहती है, कोषों की संख्या तो बढ़ती जाती है सॉरी, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। इसे हम कहते हैं संयोजकता। क्या कहते हैं? संयोजकता समान होती है। और वर्ग में क्या होता है? वो वर्ग की बात हो गई, आवर्तन क्या होता है जानते हैं? बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तब संयोजकता पहले एक से चार तक बढ़ती है, पहले संयोजकता एक से चार तक बढ़ती है और फिर घट करके क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। और शून्य वाला कहां आता है? 18वें वर्ग में आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नोबल गैस के नाम से जानते हैं, जो न तो क्या ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं
ना इलेक्ट्रॉन को देते हैं, अपना अष्टक पूर्ण करके स्थायी होते हो। कौन से? लीना नीना और करीना, एक्सरे रंगीन, जो अपनी ट्रिक बना रखी है अपन ने, उसके अनुसार वो सारी की सारी कैसे होते हैं? नोबल गैसेज होती है, ना तो इलेक्ट्रॉन देती है ना इलेक्ट्रॉन लेती है। तो मैं अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा कि किस तरह से, क्योंकि ये आवर्त सारणी के इन तत्वों की स्थिति से जुड़ी हुई बात है। देखिए, जैसे हमारी बात आ रही है कि आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही वर्ग में, ऊपर से नीचे जाने पर कोशों की संख्या में वृद्धि होती है। क्या होती है? कोश संख्या में वृद्धि होती है, परंतु बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या समान रहती है। क्या होता है भाई? इसलिए इलेक्ट्रॉन विन्यास हो चाहिए तब समान होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा संयोजकता भी समान होगी। संयोजकता समान होती है, बाह्यतम कोष में भरे हुए अंतिम इलेक्ट्रॉन के आधार पर। देखिए, जैसे आपको मैं बता दूं, सबसे पहले वर्ण संख्या एक लो, यहां ये सारे से थोड़ा हट करके पॉइंट, लेकिन मैं यहां समझा देता हूं। जैसे हलीना की रंग से दिया हमारा पहला वर्ग नंबर एक, क्या है हमारा वर्ग नंबर एक? हलीना की रक्षा क्रिया है ली ना की रब से क्रिया, यही है हमारा हलीना की रक्षा क्रिया। पहला वाला दिख गया होगा आपको कि एच एल आई एन ए के आर बी सी एस और एफ आर मिल गया। अब हम एक इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं, हाइड्रोजन का एल आई का दो, एन ए का दो आठ, के का दो आठ आठ, आर बी का दो क्योंकि इसका प्रमाण पत्र कितना हो गया 10, 18, 28, 28, 36, 37 नंबर पे। देखो सारणी में 37 नंबर पे है क्या? 37वां नंबर है क्या इसका? के बाद आरबी का और सीएस, सीएस में देखो 2, 8, 18, 18, 8 और 3, ये हो गए 28, 36, 37, 37
46 54 54 54 नंबर होना चाहिए सी एस सी। और एफ आर फिर उसके बाद में 2 8 18 32 18 8 और 1 2 8 18 32 18 8 1 यानी जो भी है कितने हो गए 32 18 20 50 60 70 78 78 78 86 87 नंबर होना चाहिए। अब आप किताब में एक बार देख लीजिए इसका नंबर 1 होगा, इसका नंबर 3 होगा, इसका 23 होगा, इसका क्या नाम से 2 8 10 10 18 20 2 8 23 3 10 11 11 इसका 19 ये इलेक्ट्रोविन्यास होते आप देखिए जैसे H नंबर 1 पर आ रहा है, Li नंबर 3 पर आ रहा है, 3 के बाद में Na 11 नंबर पे आ रहा है, 11 के बाद K कितने पर आ रहा है 19 पे आ रहा है, 19 के बाद R भी कितने पे आ रहा है 37 पे आ रहा है, 55 पर कितना आ रहा है CS आ रहा है और 87 पे F आ रहा है। ये इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गए इनको जोड़ने पर। अब आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, देखो 1 1 1 1 1 1 क्या विशेषता है बताओ, इसमें कोष संख्या 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, लगातार कोषों की संख्या का ऊपर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना, तो कोषों की संख्या तो क्या होती जा रही है बढ़ती जा रही है, लेकिन बाह्यतम कोष पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी रहती जा रही है बताओ, बराबर रहती जा रही, समान रहती जा रही, यानी संयोजकता क्या है फिर, संयोजकता भी कैसी है समान, क्योंकि बाह्यतम कोष के आधार पर ही क्या तय की जाती है, संयोजकता बाह्यतम कोष के आधार पर ही तय की जाती है। तो हम देखेंगे भाई, चलो दूसरा वर्ग लेते हैं, दूसरा वर्ग नंबर 2 क्या है, वर्ग नंबर 2 में क्या आता है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाबरा जी, मेरे ट्रिक के अनुसार तो बी ए एम जी सी एस आर, बी ए एम जी सी एस आर क्या है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाबरा जी, बी ए एम जी सी एस आर बी ए और आर ए, ये हो गया हमारा दूसरा, क्या हो गया दूसरा वर्ग हो गया बी ए एम जी सी एस आर और बी एम जी सी एस आर बी ए और आर हो गया। अब इसका नंबर ले लो, बी ई का नंबर कितना है बताओ, एच एच ई एल आई बी ई कितना हो गया, एल आई का 3 है तो याद लगाई होगा, एम जी का कितना हो गया, जब एम जी का 11 है एम जी का 12 हो गया, के का कितना है 19 है तो सी ए का कितना हो गया, सी ए का कितना 20। आगे बढ़ो, ऐसा ऐसा का कितना है, इसका 37 है इसका 38 होगा, बी ए का कितना होगा 55 है 56 होगा, और आर ए का 37 है इधर कैसे, ये इनके क्या है बताओ, परमाणु क्रमांक क्या है। अब इनका इलेक्ट्रोविन्यास लिखो ऊपर से नीचे है, बी का हम जानते हैं कि कितना होता है 2 कितना होता है 2, इसका कितना होगा 2 8 2 इसका कितना हो जाएगा 2 8 8 2 इसका कितना हो जाएगा 2 8 18 8 2 इसका कितना हो जाएगा 2 8 18 18 8 2 और इसका कितना हो जाएगा 2 8 18 32 18 8 इनको जोड़ दो, ये इनके रकम सुनिए 2 2 4 2 8 10 2 12 2 8
और 28 56 और 10 18 28 और उधर के भी कितने 28 56 तो यही हो गए 56 में कितना जोड़ा 32 जोड़ा कितना हो गया 28 क्या समानता दिखाई दी ऊपर से नीचे गए वर्ग में तो हमारे सामने क्या हो रहा है कोसों की संख्या में वृद्धि हो रही है इसमें 2 है इसमें 3 है इसमें 4 है इसमें 5 है इसमें 6 है आयतन कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान आ रही है इसमें भी 2 आ रहे हैं इसमें भी 2 आ रहे हैं इसमें भी 2 आ रहे हैं 2 सब में 2 आ रहे हैं संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कैसी हो गई समान है ना ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयुक्तता भी कैसी होती है समान होती है ये बात मैंने आपको बता दी है अब इससे आगे एक लाइन और है टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर उपधातु पाई जाती है सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर उपधातु उपधातु किसे कहते हैं इसमें धातु और अधातु के दोनों के ऊपर विद्यमान पाए जाते हैं आपको सारणी के बीच में इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी रेखा दिखाई दे रही होगी देखो क्यों इस तरह की यहाँ इसके ऊपर यहाँ लिखे हुए जो तत्व है वो कौन से तत्व है उपधातु वाले तत्व है और उनका नाम है बी एस आई के एस डी ए टी उपधातु बी बोरो एस आई सिलिकन बी एस आई ए एस एंटीमनी और टेलरियम टी और ए एंटीमनी टेलरियम आर्सेनिक सिलिकॉन और बोरॉन सिलिकॉन आर्सेनिक टेलरियम और एंटीमनी ये उपधातु हैं ये क्या है उपधातु हैं
जो सारणी को दो भागों में बांटती है। ये बात मैं आपको बहुत सारी की बता चुका हूं। आप अपने कैसे पेज की सारणी को अच्छी तरह से देखिए, समझिए और इससे मिलान करिए जो मैं बोला हूं, जो मैंने आपको बोर्ड पे दिखाया। ठीक है, धन्यवाद। कल गुणों में आवर्तता समझाई जाएगी।